अमर रहे शेर शहीद, 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 शेर शहीद, अमर रहे शेर शहीद, अमर रहे शेर शहीद, अमर रहे शहीद, अमर रहे शेर शहीद, अमर रहे शेर शहीद, अमर रहे शेर शहीद, अमर रहे। सर आज की शहादत जो माछिल के अंदर हुई है जिसमें पदाधिकारी शहीद हो गए, जिसमें दो फौजी शहीद हो गए, और आज हम तिरंगे का अपमान करने का प्रयास करना चाहते हैं। आज शहादत है तो रंग ला रहा है हिंदुस्तान, आज शहादत का सम्मान है, आज शहादत पर गौरव है, आज शहादत को प्रणाम है। लेकिन वो जो राजनीति करने वाले तिरंगे के ऊपर, वो जो राजनीति के विषय के अंदर तिरंगे का अपमान करने वाले, आज उन पर दिल्ली से कहना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय कृपा करके उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करें और उनको FIR दर्ज करके उनको तिहाड़ जेल बाद भेजने का प्रयास करें। आज शहादत बार बार ये प्रश्न करना चाहती है, जो देश के ऊपर शहादत हुई है, जो तिरंगे के लिए शहादत हुई है, जो देश पर कुर्बानी दी गई है, आज वो कुर्बानी आज हिंदुस्तानियों से प्रश्न करने का प्रयास करना चाहती है। ये जो नौजवान लोग, ये जो दंडनाते लोग, जो BSF के CRP के जो इस सारी शहादत के अंदर शामिल हुए हैं, ये देश से आज प्रश्न करने का प्रयास करना चाहते हैं। वो जो तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा मुफ्ती, वो जो मिलकर के चुनाव लड़ने वाले गुपकार के विषय के अंदर कहने वाले लोग, जो चाइना का साथ देने वाले लोग, आज उनके विषय के अंदर हमको बैठ करके तय करने का प्रयास करना होगा। आज इनकी शहादत बार बार ये हमको अंकित करने का प्रयास करना चाहती है। एक ही सवाल और एक ही जवाब जो देश के विद्रोह के अंदर खड़ा होगा, उसका नामो निशान मिटा देंगे। और श्रीमान उपराज्यपाल जी, आज ये शहादत जो इन शहीदों की हुई है, आज इसको देख करके हमको तय करना पड़ेगा कि ये जो लोग तिरंगे का अपमान करने वाले हैं, इन पर FIR दर्ज की जाए और इनको सीधा तिहाड़ जेल काला पानी भेजने का प्रयास किया जाए, ताकि ये जो शहीद होने वाले हैं इनको सम्मान मिले, इनकी जान मिले, इनकी शान मिले। और ये हमेशा शहादत है तो हिंदुस्तान है, ये BSF है तो हिंदुस्तान है, और ये शहादत जिस तरह से रंग ला रही है, इसको हमको प्रणाम करना होगा और इसके लिए हमको उनका हमेशा ऋणी रहना होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।